कुटकी थाना क्षेत्र के गोपाली चक नीचे दौड़ा निवासी अशोक पासवान के घर बीती रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें नकदी सहित करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार परिवार वालों ने बताया कि हम लोग सब परिवार शादी समारोह में गए थे। आग लगने की जानकारी हमें दूरभाष पर पड़ोसियों ने दिया। जब घर आकर देखा तो घर का सारा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पुटकी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हम लोग यहाँ नहीं थे, घर में आग लग गई, मेरा सारा सामान जल गया, सोने का बिछौना जितना भी जो जेवरात था, पैसा था, सर्टिफिकेट जितना था, मतलब कॉलेज वाले जितना, इंटर 9-10 जितना था, रसोई का सामान, रसोई का जितना सारा सामान मेरा रह गया। जैसे देखिए यहाँ अलमारी, फ्रिज, ये सब सब अलमारी का टोटल कपड़ा जल गया, जितना उसमें कागज पत्र, आधार कार्ड, वोटर। आप लोग कहाँ गए हुए थे? घर में कोई परिवार मौजूद नहीं थे क्या? नहीं, हम लोग कोई नहीं थे, हम लोग बाहर गए हुए थे। आग लगी की घटना की कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोगों को पता चला जब यहाँ से फोन किया कि आपके घर में आग लग गई है, तो पता चला। लगभग कितनी की संपत्ति आपकी जल चुकी है? लगभग मेरे घर संपत्ति कितनी की जल गई होगी, 10-15 लाख तक की जल गई होगी। जेवरात हम लोगों को पूर्वजों का दिया, जेवरात भी था पूर्वजों से ही, मतलब कि मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे मम्मी का, मेरी भाभी का, हम लोगों को, जो हम लोग तीन बहन कुमारी हैं, उन लोगों के लिए मेरे पापा बना बना कर रखे हुए थे सोने के जेवरात, जैसे कि चैन की लड़का लोग को दिया जाएगा उस तरह से सारा सामान, मतलब बना बना कर रखे हुए थे कि तीन लड़की मेरी कुमार है उसको देने के लिए साड़ी वगैरह की निकाल कर रखे हुए थे। मेरा घर में कुछ नहीं बचा, जो हम लोग पहने हैं बस।